वैज्ञानिक भले ही सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय घटना मानते हुए कौतूहल के साथ आज शोध में लगे हो, लेकिन सामान्य जनता भी इस ग्रहण को लेकर खासा उत्साह में देखे गए। दिन के 10:25 से लेकर 1:52 तक सूर्य ग्रहण का चक्र चलेगा, जिसे भारत के ज्यादातर हिस्सों में देखा जा रहा है। बड़ा अद्भुत लगा, जब मैं बहुत छोटी थी तब इस तरह का सूर्य ग्रहण लगा था, उस समय भी हमने बहुत एंजॉय किया था, देखा था, और उस समय तो पानी में देखा था, बट अभी पता चला है कि पानी में ये नुकसानदेह होता है। वैसे सोलर प्रोटेक्शन गॉगल्स का ही प्रयोग करना चाहिए, बट इंजॉयबल नहीं उपलब्ध हो पाया, तो एक्सरे से देखा है, बट ज़्यादा देर नहीं, बट बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल चौधरी की चांद की तरह। पंडित कहते हैं कि ग्रहण काल में क्या करे और क्या नहीं करे। इस सूर्य ग्रहण में लोग खाना पीना अपना वर्जित रखते हैं, इष्ट देव का ध्यान लगाते हैं, सब अपने अपने देवी देवता का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाप भी करते हैं, अपना मंत्र सिद्धि के लिए जाप भी करते हैं, और जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है तो लोग गंगा स्नान भी करते हैं। जो गंगा के नज़दीक नहीं है वो घर में स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, और यथासंभव दान भी करते हैं, और करना चाहिए। आज मंदिरों का पट भी ग्रहण के दौरान बंद रहा तथा दिन में ही शाम का नजारा देखने को मिला। बदली भी छाई रही, इसके चलते कई इलाकों में लोग ग्रहण नहीं देख पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज़, पटना।